गाइज गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक वंस अगेन टू माई YouTube चैनल। एंड टुडेज व्लॉग इज अ न्यू व्लॉग। वी आर इन अ न्यू पोर्ट, वी आर इन अ न्यू कंट्री, वी आर इन सेनेगल एंड द पोर्ट नेम इज डकार। एंड ये एक नया कंट्री है जो मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे सेनेगल पे। एंड ये अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका। एंड हमारा रूट अभी जस्ट नाउ, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही चेंज हुआ है। लाइक वी वर डूइंग मेडी रन एंड देन मेडिटेरेनियन से हम लोग लास्ट पोर्ट थे टैंजर मेड मोरक्को में। एंड वहाँ से हम लोग आए हैं अभी डकार इन सेनेगल। सो अभी फेब्रवरी मार्च तक यही चलेगा, मेडिटेरेनियन एंड सेनेगल। सो अभी ये सेनेगल पहली बार आया हूँ मैं, एंड वही आप लोगों को दिखाना था। सो दिस इज़ दी पोर्ट ऑफ डकार। एंड यहाँ पे न्यूमरस फिशिंग ट्रॉलर्स है। एंड उस साइड शायद एक फ्लोटिंग डॉक है, वो जो जहाज आप लोग देख रहे हैं वो रिपेयर हो रहा है। एंड ये सिटी है उस साइड। एंड पीछे हमारा, ये हमारा स्टेशन है, आफ स्टेशन। ये हमारा बर्थ है, यहाँ पे यहीं से बर्थ चालू होता है, तो हम लोग फर्स्ट बर्थ पे है। एंड यहाँ पे डेप्थ का थोड़ा इशू है, लाइक यहाँ पे पानी पूरा मडी है एंड डेप्थ का इशू है। लाइक डेप्थ हियर इज़ 13 मीटर्स के आसपास है, पानी के मतलब सी बेड से पानी के लेवल तक ओनली 13 मीटर्स। एंड 13 मीटर्स तक, मतलब जिनका ड्राफ्ट, जिन जहाज़ों का ड्राफ्ट 13 मीटर्स तक है वही जा सकते हैं, मीडियम साइज शिप्स बेसिकली। तो बड़े जहाज यहाँ पे नहीं आ पाते। यहाँ पे जो चैनल आप देख रहे हो, मतलब जो एंट्री से बर्थ तक, ये पूरा एक ड्रेजेट किया हुआ है चैनल। मतलब यहाँ से मतलब 13 मीटर्स तक वो ड्रेज किया हुआ है, एंड तो 13 मीटर्स तक जहाज ही आ सकते हैं। तो एंड यहाँ पे देखिए, पीपल आर हियर, ऑल ब्लैक पीपल। एंड मैं अफ्रीका पहली बार आ रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अफ्रीका पहली बार आ रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक सेनेगल इज द फर्स्ट अफ्रीकन पोर्ट आई एम विजिटिंग। साउथ अफ्रीका से होके गया हूँ, बट साउथ अफ्रीका पोर्ट गया नहीं हूँ। सो फर्स्ट अफ्रीकन पोर्ट फॉर मी। वैसे जमैका गया था लास्ट शिप पे, वो आप लोग देखे थे। हम लोग यहाँ पे रात को आए थे, कल रात को। एंड रात को कार्गो ऑपरेशन चला नहीं, ये बड़े सुस्त पोर्ट है। ज़्यादातर मैक्सिमम अफ्रीकन पोर्ट्स में सुस्ती रहते हैं, एंड लोग बड़ा धीरे धीरे आराम से इजी काम करते हैं। तो रात भर 6 घंटा मेरा वॉच पे कोई कार्गो ऑपरेशन नहीं हुआ। तो अभी दोपहर को मैं आया हूँ, सुबह 8 बजे से ही कार्गो चालू है, वो भी एकदम धीरे धीरे हो रहा है। ये एक एंट्री क्रेन यहाँ पे है एंड दूसरा यहाँ पे है। ये चल नहीं रहा है, इसका बूम खराब हो गया। एंड वो एक पहले एकदम ब्रिटेन में एक चल रहा है, एंड ये वॉचमैन देते हैं ये लोग। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो जहाँ पे थोड़ा मतलब पायरेसी एंड पिलफरेज ये सब रिस्क रहते हैं, तो वो सब कंट्रीज़ में मतलब पोर्ट से ही एक रेगुलेशन बना देते हैं कि वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड एक थर्ड पार्टी आएंगे, तो वो चार्टर पे करते हैं उसके लिए। एंड दे प्रोवाइड, पोर्ट्स प्रोवाइड ऑन वॉचमैन एंड सिक्योरिटी गार्ड ऑन बोर्ड, जो ये सब मामले देखते हैं वो लोग कि कोई पिलफरेज ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई स्टोवे ना आ जा रहा है जहाज पे, तो ये सब होता है ऐसा। ये वॉचमैन का कॉन्सेप्ट मैंने जमैका में देखा है, बांग्लादेश में देखा है एंड कुछ और पोर्ट्स में भी देखा है जहाँ पे ये वॉचमैन देते हैं थर्ड पार्टी। मैं अभी गैंगवे पे हूँ, मेरा दो वॉच कीपर्स वो रीफर्स डिस्कनेक्ट करने गया है। एंड यहाँ पे बहुत सारे रीफर कार्गो आए हैं फ्रॉम यूरोप, मेडिटेरेनियन से फॉर सेनेगल। जाते टाइम क्या कार्गो है पता नहीं, बट रीफर्स तो बहुत आए यहाँ पे, दिस कंट्री इम्पोर्ट्स फूड सीम्स। एंड सुबह होते ही बिजनेसमैन भी आए हैं, सिम कार्ड्स लेके एंड सुवेनियर्स लेके, परफ्यूम्स लेके, तो वो भी यहाँ पे बेच रहे हैं ये लोग। तो इनका अपेरेंटली अभी ब्रेक टाइम हो रहा है एंड ये लोग जहाज पे सब फूड ब्रेक्स ले रहे हैं एंड बाहर से खाना आ रहा है इनके लिए एंड ये लोग खा रहे हैं, मस्त है इनका लाइफ। Give me one.
के ट्रक्स है एंड कुछ हाई फाई ट्रक्स है लग रहा है अंदर, तो डिजिटल डिस्प्ले वगैरह सब है। सो ये सब भी यहाँ पे भी थोड़ा एडवांस है सिटीगल में। एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, एक कुछ अनयूजुअल चीज़ हुआ है जहाज पे। हम लोग लास्ट पोर्ट में एक एनिमल हाइट्स का एक कार्गो लोड किए थे, कंटेनर, जैसे कि कंटेनर्स लेके जाते हैं हम जहाज पे, बट इनके अंदर क्या कार्गो होता है वो हमें पता नहीं होता है। लाइक दिस इज़ ऑल जनरल कार्गो, बहुत तरीके का कार्गो हो सकता है, एक नॉर्मल जनरल कार्गो, शूज़, फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या नॉर्मल जनरल जो गुड्स होता है, जो पैकेज्ड गुड्स होता है जनरली, वही सब हम लोग लेके जाते हैं कंटेनर्स में। बट अंदर एग्जैक्टली कौन सा कंटेनर के अंदर एग्जैक्टली क्या है वो हमें पता नहीं होता है। बट अभी एक अनयूजुअल चीज़ हुआ है, दैट इज़ एक कार्गो में एनिमल हाइड, एक कंटेनर के अंदर एनिमल हाइड्स लोडेड है एंड उसका कंटेनर के नीचे से खून टपक रहा है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कोई बोसन अभी साफ कर रहे हैं ताकि यू नो कोई थर्ड पार्टी आके देख ना ले कि डजंट लुक गुड, लिटिल बिट ऑफ हाउस कीपिंग हियर एंड देयर करना चाहिए। सो ऐसा भी होता है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं लाइफ में, लाइक नेवर सीन। ये मेरे पीछे एक कंटेनर डिस्चार्ज होने वाला है, देखिए। एंड हाँ, ये एक अनयूजुअल चीज़ जो दिखाना था आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये मुझे एक गिफ्ट मिला है फ्रॉम द गाय हु आर सेलिंग द सुवेनियर्स एंड परफ्यूम्स, तो ही काइंड ऑफ लाइक मी एंड ही गेव मी दिस फॉर फ्री। बोलता है कि ये मेमोरी है मेरी तरफ से, आप रख लो। तो मैंने बोला थैंक यू, सो दिस लुक्स गुड, एक मेमोरी सेनेगल से मैं लेके जाऊंगा। Thank you.
port of Dakar, and that side is city, and ये हमारा जहाज है. इस साइड ही पोर्ट टर्मिनल है एंड कार्गो ऑपरेशन अभी चल रहा है. अभी सनसेट होने ही वाला है, 6 बज रहा है शाम को एंड मेरा वॉच ख़त्म हो गया है. मैं हैंड ओवर करके आया थर्ड ऑफिसर को. मैं बस लॉग बुक लिख रहा था एंड ये ऊपर आया ब्रिज पे तो व्यू अच्छा लग रहा है. ये सारे फिशिंग ट्रॉलर्स ये सब इधर है, यही लोग जाते हैं सी में मछली पकड़ने. हम जो बड़े जहाज चलाते हैं हमें परेशान करते हैं ये लोग. एंड ये फ्लोटिंग डॉक है, वो जहाज रिपेयर हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है उसका बाहर. एंड उस साइड भी सिटी है, अच्छा है सिनेरियो तो बहुत सुंदर है. सो माय वॉच इज़ ओवर एंड मैं अभी जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट लूंगा, खाना खाऊंगा, देन मेरा वॉच फिर से 12 बजे से चालू होगा. What is this? This ball. Huh? What is this? What is this? This is handheld. Now I put the top of the container. I put the position, the correct position after the plan LVC. Okay. Building a. Okay. Okay. Office. Okay. Hello guys. Good morning. And abhi. रात के 12:20 बज रहे हैं. मैं अपना सेकेंड वॉच ऑफ द डे, जो रात का वॉच है, उसमें आया हूँ. एंड थर्ड ऑफिसर से ऑलरेडी मैंने टेक ओवर कर लिया है. अभी भी लोडिंग डिस्चार्जिंग चल रहा है. यहाँ पे पोर्ट से काफ़ी है क्योंकि कार्गो ऑपरेशन थोड़ा स्लो है एंड काफ़ी कार्गो है. सो अभी बचा है कार्गो बहुत सारा, तो दोपहर तक बोल रहे ख़त्म करेंगे, देखते हैं. सो रात का वॉच इज थोड़ा क्रिटिकल होता है क्योंकि थोड़ा देखना पड़ता है सब कुछ. कार्गो डिस्चार्जिंग तो अभी भी चल रहा है एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे. सो बेसिकली शिपिंग ऑपरेशन इज़ ए ह्यूज बिजनेस एक्चुअली. तो इतना कंटेनर, थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स लोड होते हैं एक जहाज पे. तो कंटेनर्स बेसिकली जहाँ से आ रहे वेयर हाउसेस से आते हैं एंड ट्रक से आते हैं, देन शिप पे लोड होते हैं एंड फिर यहाँ से दूसरा पोर्ट जाता है डिस्चार्जिंग पोर्ट में, एंड फिर वहाँ पे फिर ट्रक्स पे जाते हैं, वेयर हाउस जाते हैं, फिर देन कस्टमर्स के पास जाता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के पास. सो ये ह्यूज बिजनेस है, तो इसको हैंडल करना, मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है. सो जो हम देख मतलब जो मैं देखता हूँ वो सब चीज़ें, मतलब फॉर माई नॉलेज इज जैसे ट्रक्स से आता है कोई, मतलब पहले तो वेयर हाउस से आते हैं कंटेनर्स पे लोड होके, फिर वो ट्रक से शिप पे आता है. एंड फिर सो से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंटेनर में से एक गुड, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड है. से फॉर एग्जांपल मैं कुछ ट्रांसपोर्ट किया हूँ फ्रॉम इंडिया से फॉर एग्जांपल यूएसए, तो मेरा जो ट्रांसशिपमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर में, किसी एक वेयर हाउस से, किसी एक ट्रक पे, किसी एक शिप पे, कोई एक पोजिशन में वो लोड होके फिर यूएस पे कोई एक जहाँ पे मुझे पहुँचाना है वहाँ पे जा रहा है. तो ये लॉजिस्टिक्स कैसे ये हैंडल करते हैं, तो बेसिकली जो वेयर हाउस से आते हैं वो कंटेनर नंबर लिख लेते हैं, वो पोर्ट में आते हैं टर्मिनल वाले जो लोड करते हैं वो उस कंटेनर नंबर का पोजीशन दे देते हैं. एंड जो अभी मैंने दिखाया वो कंटेनर नंबर, जैसे जो भी कंटेनर लोड हो रहा है हर एक बे में वो एक इनका टैलीमैन रहता है टर्मिनल का, वो टैलीमैन टैली करते रहते हैं कि ये कंटेनर गया, वो डिजिटली उसमें जो हैंडल डिवाइस है उसका, उसमें वो इनपुट कर देते हैं कि ये कंटेनर इस पोजीशन में लोड हो गया. तो प्लानर जो होता है इनका, टर्मिनल प्लानर होता है, प्लानर जो प्लान करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली उनके पास एक लोडिकेटर प्रोग्राम होता है, हमारे पास भी वो लोडिकेटर प्रोग्राम होता है, तो वो प्लान करते हैं वो बेसिकली कि ये कंटेनर यहाँ पे है तो ये कंटेनर यहाँ से लोड होगी, यहाँ पे डिस्चार्ज होने वाला है. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वो हैंडल डिवाइस से टैलीमैन वो कर दिया कि यहाँ पे लोड हो गया है एंड फिर वो प्लानर के पास पहुँच जाता है. प्लानर फिर डिस्चार्ज पोर्ट का प्लानर के पास वो फाइल भेज देता है, इनका जो फॉर्मेट होता है वो लोडिकेटर प्रोग्राम के लिए, तो उसमें वो लिखा रहता है कि ये कंटेनर इस पोजिशन में, ये यहाँ पर डिस्चार्ज होगा एंड ये यहाँ तक पहुँचाने होगा. तो इट्स ए ह्यूज प्रोसेस है, लॉजिस्टिक्स इज ए ह्यूज बिजनेस एंड इट्स ए ह्यूज प्रोसेस. तो बड़ा ही वर्ल्ड ग्लोबल मतलब लार्ज स्केल ये एक प्रोसेस है, बिजनेस है लॉजिस्टिक्स. सो वी आर अ पार्ट ऑफ दैट. सो अच्छा लगता है मुझे ये सब चीज़ देखना.
When I was young, I see your film, right? I said to Kapoor, Amitabh Bachchan, Emma Malini, Gabbar. I meet you. Malik. Malik? Yeah, Malik. And I already speak Gabashin and Dharmendra. Jitendra. Ah, you like it? Yes. I was young. I was very, very, very young. But it's very, very good. But now it's old man, huh? Now it's old man. I see Amitabh Bachchan. Now it's old. I have is very, very white. Yes. But now it's stopped. Okay. Thank you. See you. So guys, my watch is almost over now. 6 बजने को आ रहा है सुबह एंड यहाँ पे थोड़ा लेट सनराइज हो रहा है एंड ये देखिए ये हमारा जहाज अभी है लोडिंग चल रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी ऊंचा तक लोडिंग कर दिया है लोग बट बीच का छोड़ दिया है एंड ये डकार है नाइट सिटी ऑफ डकार सेनेगल एंड इसके बाद वंस अगेन वी विल बी गोइंग बैक टू मोरक्को के बाद अल्जीरिया स्पेन एंड देन अगेन मोरक्को एंड देन कम बैक टू सेनेगल हियर वंस अगेन सो टोटल 10-12 दिन का ही वॉयज है एंड फेब्रवरी मार्च एंड तक यही वॉयज है अभी तो दैट्स इट एंड अभी मैं वॉच ख़त्म करके रेस्ट करूँगा फिर दोपहर को 12 बजे आना पड़ेगा वॉच पे बट शायद दोपहर तक सेलिंग हो जाएगा लेट्स सी हेलो गाइस गुड आफ्टरनून एंड अभी दिन का टाइम है 12:30 बज रहा है इन द घड़ी एंड मेरा फर्स्ट वॉच ऑफ द डे टुडे अभी चालू हुआ है मैंने थोड़ा उससे टेक ओवर कर लिया एंड दिस इज़ द पोर्ट ऑफ डकार वंस अगेन फ्रॉम द फॉरवर्ड ये हमारा शिप का फॉरवर्ड है एंड ये हमारे आगे एक और जहाज है एंड दिस इज़ द पोर्ट ऑफ डकार हमारा कार्गो और 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा 6 बजे शाम को सेलिंग है एंड अभी कार्गो वर्क चल रहा है ये देखिए एक बंदे को ये बंदा ऐसे ही रस्सी के ऊपर सो रहा है मस्त लाइफ जी रहा है एंड टुडे आफ्टर 6 o'clock वी विल बी डिपार्टिंग फ्रॉम हियर एंड विल बी गोइंग बैक टू मोरक्को टैंजरमेड 4 दिन का पैसेज है एंड विद दिस आई विल एंड टुडेज व्लॉग हियर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग in Morocco and this will be in the next week I'll be completing 2 months of my tenure on board 6 months ka contract hai but aap logo ko pata hi hai hamara company famous hai contract extend karwane mein to dekhte hai kab sign off milta hai abhi to January end ho jayega 2 mahina khatam ho jayega February se 3 mahina chalu hoga and life goes on so I'll see you in the next vlog. Until then, stay safe, stay blessed.